गुड मॉर्निंग फैमिली, आप सबका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल डीकेएन वंदनायन किट्टो ब्लॉग के चैनल में। डीकेएन अरे डीकेएन वंदना ब्लॉग्स पे और वंदनायन किट्टो ब्लॉग्स पे। तो मैं हूँ डीके, ये है वंदना, हमारे साथ जुड़े हुए हम लोग पीछे बैठे हुए चौकी पे। तो हम लोग पिछवाड़े बैठे, हमारे घर में पिछवाड़े बोलते हैं, तो ये हमारा पिछवाड़ा है। पीछे भी बोलते हैं, पिछवाड़ा भी बोलते हैं। पिछवाड़ा तो किसी और को बोलते हैं, पट्टी को बोलते हैं पिछवाड़ा। तो चलिए हमारे ब्लॉग पे बने रहिएगा, आगे दिखाते हैं आप लोगों को। तो मामा मामी चले गए हैं, जीजा भी चले गए हैं, और यहाँ देख सकते हैं वंदना भी तैयारी कर रही है चाय की, क्योंकि इनकी दीदी और इनके भाई जाने वाले हैं। धीरे धीरे हमारा घर खाली होने वाला है, तो ये तैयारी कर रही है चाय और नाश्ता बनाने की। अदरक कूट रहे, अदरक कूट रहे, ऐसा लग रहा जल चढ़ाने जा रहे हैं। अब तक था तो देखते हैं, धीरे धीरे हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आपको दिखाएंगे बहुत कुछ, देखने को मिलेगा बहुत कुछ। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, दिखाएंगे। ये हमारा तखत रखा हुआ है बाहर बैठने उठने के लिए, बारिश हो रहा है, मम्मी इसको अच्छे से रख रही है, तो बने रहिए, इसको ठीक करवाते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं सोनाची केक खा रही है, और साले साहब पहले से ही तैयार हो गए, कोट पैंट पहन के, ऐसा लग रहा है बारात में जा रहे हैं। घर हुई नमाज हमारा है, तो हम नहीं पहनेंगे तो दूसरा पहनेगा। तो ये देख सकते हैं घर जा रहे हैं, कोई तो पसंद करेगा। और मैं जा रहा हूँ इनको जंघई स्टेशन छोड़ने, दीदी आ रही है, आ रो सब जा रहे हैं साथ में। तो सोनाची केक खा रही, भाभी लेके आई है। तो फैमिली देखिए, दीदी और साले साहब जाने वाले हैं, तो सब तैयारी है, सब को केक को खिलाया जा रहा है, देख सकते हैं आप लोग, अम्मा को खिलाया जा रहा है। तो आप लोगों ने कमेंट किया था कि घर पे आप लोगों ने मांजने वाली को नहीं लगाया है, बर्तन साफ करने वाली को। तो ये देखिए हमारे यहाँ दो दिन आई थी, टाइम से आती नहीं। हाँ, ये दो दिन आई थी, फिर चली गई, बताई भी नहीं किसी को, हम लोग को मांजने वाली बन गए। अब इन्हीं से हम सवाल जवाब करते हैं, दो दिन आके क्यों नहीं आई है, क्यों चली गई थी अब दो दिन छोड़ के। तो ये शर्मा रही है, बोल नहीं रही है। तो इन्होंने दो दिन बर्तन मांजे थे, फिर उसके बाद इन्होंने बताया नहीं किसी से, आई भी नहीं। तो इनके तो इंतजार में सब बैठे रहे, तो ये आई नहीं, तो फिर काम मम्मी और सबको मिल के करना पड़ा। तो आ जाएंगे तो बर्तन उर्तन साफ कर रही है, अब रहेंगे कुछ दिन, काम करेंगे। तो मम्मी केक खा रही इधर, और आर्यन तैयार हो गया है घर जाने के लिए। वंदना जी चाय बना रही, जेल के अंदर बंद है। तो फैमिली यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे एंजॉय करते हुए, ऋषभ को देखो कितना प्यारा लग रहा है, छोटू मोटू सा। तो पापा आज कहाँ जा रहे हो शादी में? गोपीगंज जा रहे हैं शादी में। गोलू देखो पापा केक खा रहा है, सानिया भी केक खा रही है, ऋषभ भी केक खा रहा है। पापा हम भी चले। कहाँ चलोगी? हाँ प्राची बुलाए है, प्राची दीदी की, प्राची दीदी के पास में जाऊंगी। रोगी क्या? रोगी तो नहीं लिया जाएंगे, हम प्राची दीदी से बहुत प्यार करते हैं। और सानिया से? वो भी बहन है, उससे भी करते हैं। गले तो नहीं लगाई उसको? अभी लगाई थी ना। हाँ, वो दाते काटते ना। तो चलिए हंसी मजाक होता रहेगा, दिखाएंगे आगे, जुड़े रहिएगा। तो देखिए सब तैयार हो गए, इनको चल रहे हैं, मैं स्टेशन छोड़ बैठा कि नहीं। A few moments later, दीदी और दीपक जा रहे हैं स्टेशन, जंघई स्टेशन पे, तो इनको छोड़ने जा रहा हूँ, मैं गाड़ी लेके आया हूँ, खुला गया, तो इनको छोड़ के आता हूँ, जल्दी जा रहे हैं, ट्रेन आ गई है। अरे चला तू, तो इनको छोड़ते हैं, ट्रेन आने ही वाली है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे ट्रेन आने वाली है, जल्दी से इनको छोड़ते हैं स्टेशन। तो ये जंघई स्टेशन हम लोग आ गए हैं, और जा रहे हैं ड्रॉप करने, इन लोगों को छोड़ के चलूंगा मैं, और ऊपर से काफी खूबसूरत नजारा दिख रहा है, आप लोग देख सकते हैं, थक गया मैं चढ़ते चढ़ते। तो काफी खूबसूरत लग रहा है, हम लोग पहुंच गए हैं स्टेशन फाइनली, और ट्रेन आने ही वाली है, तो इनको बैठा के फिर मैं जाऊंगा, तो तब मैं इंतजार करता हूँ, तो बने रही है हमारे ब्लॉग पे, इनको ड्रॉप करके चलता हूँ मैं। तो ये कमाईनी जा रही है, जब अमित आया था तो दीपक के घर जा रहा था, तो इसी ट्रेन इसी ट्रेन में बैठ के चला गया था अमित, जो उल्टा चला गया था पकड़ने वक्त। हाँ, पकड़ना चाहिए था जाने वाला, और पकड़ लिया उल्टा इलाहाबाद, वो उल्टा इसी ट्रेन में बैठे था, तो हम लोग को याद आ गया, तो हम कहीं वीडियो भी बना लेते हैं,
तो ये ट्रेन जा रही इलाहाबाद की तरफ, तो अमी सिंह बैठ गए चला गया। ट्रेन अभी आनी बाकी है, हाँ। तो आएगी। ये लोकमान्य तिलक टर्मिनल से ये जा रही है, तो अभी पैसेंजर आने वाली है, देख सकते हैं हम लोग इंतजार कर रहे हैं। दीदी भी खड़ी है, आर्यन आरो खड़े हैं, ये कह रहे हम बॉम्बे चले जाए। ट्रेन देख के कैसा लग रहा है कि बॉम्बे चले जाए? तो ये कमायनी एक्सप्रेस, इनको देख के लग रहा है कि हम इसी में बैठ के जाएंगे बॉम्बे। तो देख सकते हैं जंघई स्टेशन पे हम लोग खड़े हैं, तो इनको ट्रेन पे बैठा के फिर हम निकलेंगे यहाँ से। तो इंतजार कर रहे हैं, अभी ट्रेन आने वाली है, थोड़ा समय है। तो काफी इंतजार करने के बाद आखिर ट्रेन आ ही गई है, देख सकते हैं आप लोग। तो दीदी बाय बाय कर रही है, बाय बाय, मिलते हैं, चलो आएंगे जरूर। ये जंघई जंक्शन है, तो ये देख सकते हैं ट्रेन आ गई थी और मैंने बैठा दिया है, अब मैं चलता हूँ क्योंकि लेट हो गया हमें। ये जंघई बाजार है, तो यहाँ से हम जा रहे हैं, दीदी को छोड़ दिए हैं, दीपक को भी छोड़ दिए हैं, अब हम घर के लिए निकल गए हैं, रास्ते में है। तो बने रहिएगा ब्लॉग। नेक्स्ट मॉर्निंग, सो फैमिली मैं नहा हुआ के रेडी हो गया हूँ। यहाँ देख सकते हैं मौसम काफी खराब है, और यहाँ पे देख सकते कह रही है हम भी सूट किए हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कौड़ा जल रहा है, सब लोग ताप रहे हैं। तो चलते हैं भाभी जी के पास, भाभी जी का एनिवर्सरी था, तो भाभी जी आप लोगों को बहुत बधाई दी है सब लोगों ने, तो आप क्या कहना चाहती हैं? सारी फैमिली को थैंक यू। गुस्से में बोल रही हैं ऐसा लग रहा है। हमारा गला बचा हुआ है। तो हमारी जो यूट्यूब की फैमिली है, सब लोगों ने कमेंट किया था भैया भाभी को एनिवर्सरी की ढेर सारी शुभकामनाएं, तो ये बोल रही है सबको हमारी तरफ से तहे दिल से धन्यवाद। तहे दिल से, आधा हिंदी में आधा उर्दू में, हाँ। तहे दिल से। तो सानिया अपनी मम्मी की तरफ से बोल दो, बोल दो थैंक यू वेरी मच, बोलो मेरी मम्मी को। तो सानिया भी सबको बोल रही थैंक यू वेरी मच फैमिली, आप लोगों ने हमारी मम्मी मम्मी पापा को विश किया, हमारे चाचा को और आगे ले जाइए और प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, जो चाहे सब करिए, सब करिए। तो चलिए बने रहिए हमारा वीडियो, मम्मी का यूट्यूब चैनल आगे ले जाइए, 1 लाख जल्दी से कीजिए। सोनाक्षी के चाचा 50 रुपए दिए हैं सोनाक्षी को, ये देख सकते हैं। अब बोले हैं कि अपने लिए, ऋषभ के लिए, गोलू के लिए, सानिया के लिए, सबके लिए चॉकलेट ले लो, तो लेने आई 10-10 वाला दे दो इन लोगों को, सबका हो जाएगा। तो देखो 50 रुपए इनके चाचा दिए कि जाओ तुम लोग इंजॉय करो, चॉकलेट खाओ। तो देख सकते हैं दुकान पे हम लोग आए हैं, सोनाक्षी ले रही है, एक और दे दीजिए नहीं तो ऋषभ और मांगेगा। अच्छा ज्यादा एडवांस ऋषभ मांगेगा, ले लियो ना इतना, ऋषभ मांगेगा तो। चलिए बने रहिए हमारे ब्लॉग पे, तो देखिए हो गया चॉकलेट 50 रुपए का हो गया। हम लोग बैठे थे, आग ताप रहे थे, इसी बीच सोनाक्षी आ गई, बोली कि बड़ी मम्मी मेरा पैर दर्द कर रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं बड़ी मम्मी इनकी पैर दबा रही हैं। तो सोनाक्षी पैर कैसा है, आराम हुए? नंबर दे हाँ, हमारा घर इतना लंबा चौड़ा है कि बच्चे भागते भागते थक जाते हैं, और दिल्ली में 2 कमरों में ये लोग बस बैठे रहते हैं, मोबाइल चलाते हैं, इन लोगों का यही काम है। और यहाँ पे आए बता भाग रहे इधर उधर। सो फैमिली आप लोगों ने भैया भाभी को विश किया, तो भाभी ने सबको दिल से थैंक यू सो मच बोला, आप लोगों ने विश किया, बहुत प्यार दिया, और हमारे वीडियो को भी बहुत प्यार दिया, बहुत ही अच्छा लगा, हमारा वीडियो बहुत टॉप पे चला, आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि दिल खुश हो गया। और आज हम लोग जाने वाले हैं कहीं घूमने, तो वो वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा। आप लोग हमारे वीडियो को ऐसे ही प्यार देते रहें, और हमारा पूरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप हमारे वीडियो को आगे भी प्यार देते रहें, हम ताकि अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहें, हमारे वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए हम अपने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ, तब तक करते हैं बाय बाय, और हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय फैमिली, बाय बाय।